Your left hand, ma'am. Then your left hand. Keep your... ये है एम्स दिल्ली के सफाई कर्मी मनीष कुमार, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। देश भर में आज से कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली स्थित एम्स में सफाई कर्मी मनीष कुमार को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। अब ये पूरा वीडियो देखिए। आज सुबह 10:30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कोविन ऐप को भी लॉन्च किया। टीका लगवाने का पूरा डेटा इस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और टीका लगवाने वालों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। वैक्सीनेशन के पहले देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जो बुजुर्ग हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें इस चरण में टीका लगेगा। दूसरे चरण में इस टीकाकरण को 30 करोड़ लोगों तक ले जाना है। पीएम ने कहा है कि 30 करोड़ से ज्यादा सिर्फ 3 देशों की आबादी है, खुद भारत, चीन और अमेरिका। पीएम ने यह भी कहा कि हमें याद रखना होगा कि कोरोना वैक्सीन की सभी को 2 डोज लेनी है, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना।